आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है जीतू जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। झारखंड के रहने वाले जीतू जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं झारखंड के एक छोटे से गांव में रहा करता था। क्योंकि मैं अभी यहाँ नया नया आया था तो मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला था। हालांकि फिर थोड़ी जद्दोजहद के बाद मुझे काम मिल गया, मगर मैं वो काम नहीं करना चाहता था। दरअसल अभी मुझे जिस काम का ऑफर मिल रहा था उसमें मुझे मुर्दा घर की पहरेदारी करनी थी, वो भी रात के वक्त। पहले तो मैंने सोचा कि मना कर दूंगा, मगर फिर वो ही हुआ जो हर किसी के साथ होता है। ज़्यादा पैसों का लालच देकर मुझे वो काम ज्वाइन करा दिया गया, या यूं कहे तो पैसों का लालच मेरे डर के ऊपर बैठ गया। खैर अब जब तय कर ही लिया है तो डरने से और क्या होगा। आज ड्यूटी पर मेरी पहली रात थी तो दिन में नाश्ता वास्ता करके मैं सो गया, ताकि ड्यूटी पर पहली रात ही मैं सोता ना रह जाऊं। रात के करीबन 8:30 बजे तक खाना वाना खाकर और चाय पीकर मैं अपनी ड्यूटी पर यानी मुर्दा कर जाने के लिए रवाना हो गया। साइकिल चलाते हुए मुझे मन ही मन थोड़ी घबराहट सी हो रही थी कि मैं उन मुर्दों के बीच अकेले ड्यूटी कैसे करूँगा, मगर फिर मैंने अपनी हिम्मत बांधी और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मैं मुर्दा घर के पास पहुंचा। वहां दूर दूर तक सिवाय मेरे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। साइकिल को स्टैंड पर लगाने के बाद मैं मुर्दा घर के बाहर रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। करीबन 20 से 25 मिनट मैं वहां डटकर बैठा रहा, मगर अब मैं बोर होने लगा था। लिहाजन मैंने जेब से अपना सेल फोन निकाला और हेडफोन कनेक्ट करके गाना सुनने लगा। अब तक मैं गानों की धुन में मसरूफ हो चुका था। पुराने गानों की धुन में मैं इस कदर खो गया कि मुझे नींद आ गई, और फिर जब मेरी आँख खुली तो अब तक सुबह हो चुकी थी। मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म होते ही मैंने अपना साइकिल उठाया और घर की तरफ चलता बना। घर पहुंचकर मैंने फिर से वही रूटीन दोहराया। नाश्ता करके मैं फिर से सो गया और रात का खाना पीना करके 8:30 बजे तक साइकिल लेकर काम पर निकल गया। साइकिल को स्टैंड पर लगाने के बाद मैं फिर से उसी चेयर पर जाकर बैठ गया। दिन में सोने के बावजूद भी पता नहीं क्यों आज मुझे नींद आ रही थी, मगर फिर भी किसी तरह से मैं खुद को जगाए हुए था। मैं कभी फ़ोन पर गाने सुनता तो कभी यहाँ वहाँ टहलने लगता, पर फिर भी लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे नींद ने अपने आगोश में ले ही लिया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मेरे कानों में एक तेज आवाज़ आ रही थी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज़ मुर्दा घर के भीतर से आ रही है। उस आवाज़ से ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मानो कोई मुर्दा घर के भीतर ड्रॉवर खोल रहा हो। इस आवाज़ से मैं बेचैन होने लगा था। अपने डर पर काबू पाते हुए मैंने मुर्दा घर का ताला खोला और धीरे से दरवाज़ा सरकाकर अंदर झाँका तो अंदर सब कुछ सामान्य सा ही लग रहा था। सारे के सारे ड्रॉवर्स बंद हो रखे थे। ये देखकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर से ताला मार दिया। मुझे लगा कि शायद मेरे कान बजे होंगे। टेबल पर बैठा मैं अभी हाथ घड़ी की तरफ देख ही रहा था कि फिर से मुझे वही आवाज़ आई। उसी आवाज़ को दोबारा सुनकर एक पल को मेरी धड़कनें थम सी गई थी। मैंने वापस से दरवाजे का ताला खोला और अंदर झाँका तो पाया कि डेथ बॉडी का एक ड्रॉवर खुला हुआ है। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि भला यह ड्रॉवर खुद ब खुद कैसे खुल गया। हिम्मत जुटाकर मैं मुर्दा घर में दाखिल हुआ और उस खुले हुए ड्रॉवर की तरफ बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर ड्रॉवर को बंद करने के लिए मैंने अपना हाथ उसके ऊपर रखा तो मेरे हाथ रखते ही ड्रॉवर के अंदर पड़ी डेथ बॉडी के हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तभी उसी ड्रॉवर से आवाज आई, जरा
हवा तो खाने दे। इतना सब देखकर मेरे शरीर का सारा खून सूख गया था। मैं बेदम सा होकर बस वहीं खड़ा रहा। अब तक मैं इस कदर डर चुका था कि यहाँ तक कि मैं वहाँ से भाग तक नहीं पा रहा था। किसी तरह मैंने होश संभाला और वहाँ से भागकर मुर्दा घर से बाहर निकला और बिना वक्त गवाए साइकिल भगाकर घर की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त पता नहीं कैसे मेरे पैर कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहे थे। मैं साइकिल भगाकर घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक ही साइकिल की चेन उतर गई। अब तक मैं मुर्दा घर से काफ़ी दूर आ चुका था, जिस वजह से मुझे लगा कि शायद अब खतरा टल चुका है। मैं अपने साइकिल से नीचे उतरा और चेन चढ़ाने के लिए नीचे बैठा। मैं अभी चेन चढ़ा ही रहा था कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने ड्रॉवर खुला ही छोड़ दिया। इस आवाज़ ने फिर एक बार मेरी धड़कनों को तेज कर दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी धड़कनें लगातार रफ्तार पकड़ रही थी। थोड़ी ही देर में मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं उसी रास्ते पर गिरा हुआ था। चार पांच लोग मुझे घेरे हुए खड़े थे। मैंने उठकर उन लोगों को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने बताया कि उस मुर्दा घर में अक्सर ऐसा होता रहता है, जिस वजह से कोई भी पहरेदार ज़्यादा दिनों तक वहाँ टिक नहीं पाया। उस दिन के बाद से मैंने वो पहरेदारी का काम ही छोड़ दिया और ऐसा कहा जाता है कि रात के वक्त उस मुर्दा घर से आज भी अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। तो दोस्तों, ये थी जीतू जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।